एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू उदित फार्मेसी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डी फार्मेसी के बाद आप गवर्नमेंट जॉब किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में आप जा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, और बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स आपके लिए हैं अगर आप डी फार्मेसी करते हैं उसके बाद। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें गवर्नमेंट जॉब आफ्टर डी फार्म के बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसकी बात करेंगे। मैनी डी फार्मेसी एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल इन गवर्नमेंट एजेंसीज। देखिए, यहां कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज अवेलेबल है जहां पे वो काम कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयमेंट है जो कि डी फार्म करने के बाद गवर्नमेंट एजेंसीज में काम करते हैं, राइट? तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बताऊंगी, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी। यहाँ पे फर्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट, मैंने लिया है। अब एनालिटिकल केमिस्ट होता क्या है ये पता होना आपको जरूरी है। एनालिटिकल केमिस्ट वो होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, ये आप देख पा रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट का मतलब क्या होता है, इन सब इंस्ट्रूमेंट को एनालाइट करना। ठीक है, एनालाइट मतलब पता करना, इनके स्टडी करना। स्टडी एंड यूज इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी आपको कम्प्लीटली आनी चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिकल लैब में आप जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी आपको पूरी तरीके से आनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी आपको पूरी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर स्टडी करते हैं, या फिर क्या क्या उनमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये सारी चीजें करने का काम किसका होता है, एक एनालिटिकल केमिस्ट का। उसके बाद देखिए, ये सेपरेट करने में भी, जैसे ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कोई ऐसा पार्ट है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और उसकी जगह हम कुछ और इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो सेपरेट करने का काम भी एक एनालिटिकल केमिस्ट कर सकता है। या फिर आइडेंटिफाई करने का कि हमें, हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसमें पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम है, तो किसके कारण वो प्रॉब्लम हो रही है ये पता करने का काम भी एनालिटिकल केमिस्ट का होता है। तो क्वांटिफाई करने का भी, कोई भी प्रोडक्ट है उसे उसे क्वांटिफाई करने का भी काम किसका होता है, एनालिटिकल केमिस्ट का होता है। तो एज अ एनालिटिकल केमिस्ट आप अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर्स में, मैंने बोला प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी जरूरत होती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी होती है। तो हम बात कर रहे हैं आज गवर्नमेंट सेक्टर की, तो वहां पर आप अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। उसके बाद है सेकेंड, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर। अब फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर, इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप डी फार्म के जस्ट बाद नहीं कर सकते हैं, आपको पहले करना पड़ेगा बैचलर्स, मींस आपको पहले हायर स्टडीज करनी पड़ेगी, कम से कम बैचलर करना पड़ेगा डी फार्म के बाद, तो उससे आपकी नॉलेज भी एनहांस हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी बैचलर डिग्री भी हो जाएगी, और उसके बाद आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए या फिर फूड इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर का मतलब आपको पता है, फार्मेसी डिपार्टमेंट में सबसे रेपुटेटेड जो पोस्ट होती है वो एक ड्रग इंस्पेक्टर की होती है। और ड्रग इंस्पेक्टर का अगर मैं पेइंग स्केल की बात करूं तो इसकी कोई भी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड इसका पेइंग स्केल है, आप कितना भी कमा सकते हैं, वो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद एज अ फार्मासिस्ट, आप एज अ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, जो कि डिफेंस में हो सकता है, आर्मी में हो सकता है, बैंक में हो सकता है, या फिर किसी भी ऐसे सेक्टर में हो सकता है। एज अ फार्मासिस्ट आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट काम कर सकते हो। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जितने भी आपके, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हो, जहां पे हॉस्पिटल और जिस भी सेक्टर में हॉस्पिटल्स अवेलेबल होते हैं, वहां पे एज अ फार्मासिस्ट अपॉइंट किया जाता है फार्मासिस्ट को। तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी हो सकता है, सेंट्रल के अंदर भी हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं केमिकल ड्रग टेक्नीशियन। अब केमिकल ड्रग टेक्नीशियन क्या होता है, ये काम करते हैं फूड इंग्रेडिएंट के ऊपर, और कहां पे, जितनी भी फूड इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर किस पे काम करते हैं, फूड इंग्रेडिएंट के ऊपर काम करते हैं। ये मॉनिटर करते हैं कि जो केमिकल प्रोसेस, अगर कोई केमिकल प्रोसेस उस फूड सप्लीमेंट के अंदर चल रही है वो सही है नहीं है, कितने मात्रा में क्या चीजें ली जा रही है, वो काम होता है केमिकल एंड ड्रग टेक्नीशियन का। ठीक है, उसके बाद इनका काम क्या होता है, टेस्ट करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी को टेस्ट करना, जिससे कि उसका स्टैंडर्ड मेजर हो सके, कि जिस स्टैंडर्ड के लिए वो ड्रग बनाई जा रही है या फिर वो फूड प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो उस स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो ये काम होता है केमिकल एंड ड्रग टेक्नीशियन का। अब आप बोलेंगे कि मैम ये जॉब हम सर्च कहाँ करेंगे, तो उसके लिए पहले आपको अपना एक ड्रीम बनाना पड़ेगा कि मुझे एनालिटिकल केमिस्ट ही बनना है। अगर आप ये सोच लेते हैं अपने मन में कि मुझे एनालिटिकल
एनालिटिकल केमिस्ट ही बनना है, तो इसकी पूरी जानकारी आप निकालिए। उसके बाद अगर आपका डिमांड होगा तो मैं अलग अलग लेके इन सारे पॉइंट्स को, जो ये सेक्टर्स हैं, इनके लिए अलग से ब्रॉड वीडियो आपको दे दूंगी। बट अगर आप सोचते हैं कि मुझे, मैंने आपको बता दिया ना कि एनालिटिकल केमिस्ट कुछ होता है और आप डी फार्म के बाद कर सकते हैं, तो आप इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपके जब हैबिट में आ जाएगी ये चीजें, तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीजें पता चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो है वो है मैनी इंस्टीट्यूट्स एंड डिपार्टमेंट्स। अगर मैं इंस्टीट्यूट्स और डिपार्टमेंट्स की बात करूं, तो इंस्टीट्यूट्स में डी फार्म का अगर कोई इंस्टीट्यूट है, तो अगर आपने डी फार्म किया हुआ है तो वहां पे आप एज अ लैब अटेंडेंट काम कर सकते हैं। ठीक है, लैब अटेंडेंट आप वहां पे काम कर सकते हैं और काफी अच्छा स्कोप इसमें आपके लिए है। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहां पे भी लैबोरेटरीज में एज अ लैब अटेंडेंट आप काम कर सकते हैं और ये परमानेंट बेसिस पे भी होता है। ठीक है, अदरवाइज आप हायर स्टडीज की तरफ जा सकते हैं डी फार्म के बाद फर्दर, और फिर उसके बाद जब आप बी फार्म कर लेते हैं तो आप किसी भी डी फार्म कॉलेज में, किसी भी डी फार्म इंस्टीट्यूट में आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट को टीच कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एम फार्म कर लेते हैं, अगर आप पीएचडी कर लेते हैं, तो आप जितने भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे आप एज अ प्रोफेसर परमानेंट बेसिस पे अपॉइंट कर लिए जाएंगे और काफी अच्छा आप इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। उसके बाद है स्टेट एंड सेंट्रल हॉस्पिटल्स। जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हॉस्पिटल्स आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हॉस्पिटल्स आते हैं, इनमें फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती ही है। फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे भी आप एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको फार्मासिस्ट का जो एग्जाम है वो क्रैक करना होगा। और अब आपको ये पता कहाँ चलेगा कि वैकेंसी कहाँ निकलती है, सिलेबस क्या आता है, इसके लिए भी मैं अपना पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। मेरा पूरा वीडियो, मैं अपना पूरा वीडियो बना दूंगी, लेकिन आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा कि इसके लिए आपको वीडियो चाहिए क्या, जिसमें सिलेबस क्या है, पता कहाँ से करे कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ रही है। सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। लेकिन ईजी होता है पूरा डिप्लोमा इन जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, सब में डी फार्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी का सिलेबस ही पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स जो होती हैं फार्मा डिपार्टमेंट में, उनमें काम क्या होता है, इसमें देखिए डिस्कवरिंग का काम होता है सबसे पहले, तो डिस्कवर करना। रिसर्च का मतलब क्या होता है, कुछ भी नया इन्वेंशन करना, पता करना। और जितनी भी नई ड्रग्स आती हैं, कोई भी अगर नई ड्रग आ रही है या फिर आपको पता चल रहा है, आपने किसी पे भी रिसर्च कर रहे हैं, उन पे आपको क्या करना है, टेस्ट करना है। और ये गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में परमानेंट टीम काम कर रही है, नई नई रिसर्चेस कर रही है, तो वहां पे आप अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट एक्सटेंशन का काम भी काम होता है। प्रोडक्ट एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि हमें पता चल गया कि ये प्लांट है कोई, इस प्लांट के अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब प्लांट के अंदर तो है, लेकिन अब आपको वो एक्सट्रैक्ट करना है कि प्लांट के किस पार्ट में, लीव्स में है, रूट में है, स्टेम में है, कहाँ पे वो जो बोल सकते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो प्रेजेंट है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ प्रेजेंट है। तो उसे एक्सट्रैक्ट करने का काम भी किसका होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट में आ जाता है। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं, जैसे आपने अब ये ड्रग लिया, इसे आपको पता चल गया इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी, अब आप क्या करेंगे, इसका क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, फिर इसका क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। तो उसमें भी एज अ फार्मासिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट का। तो उसमें भी आप एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप ये चेक कर लेंगे क्लिनिकल ट्रायल्स में, क्लिनिकल ट्रायल जब चल रहा होगा, तो इसमें क्या क्या चेक करना है कि वो सेफ्टी के पर्पस से सही है या नहीं है, तो सेफ्टी मॉनिटरिंग होगी उसकी। उसके बाद मार्केटिंग पर्पस से सही है या नहीं है, तो सारी चीजें वो चेक होती हैं। उसके बाद बात करें इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो जाके आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद है डिफेंस सर्विस। अब डिफेंस सर्विस में क्या आ जाता है, इंडियन आर्मी भी डिफेंस सर्विस में आ जाता है, इंडियन एयरफोर्स आ जाता है, इंडियन नेवी आ जाता है, इनमें भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी निकलती है और परमानेंट भी निकलती है। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल भी निकले तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है,
सो ये हो गई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको कि आप किस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर्स में आफ्टर डी फार्मेसी अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं, और बहुत सारे स्कोप है। फार्मेसी एक ऐसा फील्ड है जिसमें स्कोप कभी भी खत्म नहीं होंगे, बहुत सारे स्कोप आपके लिए हैं जॉब के। उसके लिए अगर आपको अलर्ट रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप डी फार्म की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की, तो आप हमारी एप्लीकेशन उदित फार्मेसी क्लासेस जाके विजिट कीजिए, जहां पे हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर